मनकापुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, वो किस भावना को लेकर, किस वादे को लेकर और किन दावों को लेकर कितना प्रभावित है और वो किसको वोट करने जा रहे हैं। पांचवे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। सर क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है हामिद अली। अच्छा, क्या लगता है सर पांचवे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, दो चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? अब ऐसा है, विकास पे वोट सभी ने किया है अभी तक, विकास पे हम भी करेंगे। अच्छा, क्या लगता है किसका बहुमत आने वाला है? अब विकास जो करेगा उसको वोट किया जाएगा, आप समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या शुभ नाम है सर आपका? हमारा नाम जो है अरुण सोनी, एडवोकेट। अच्छा हाँ अरुण जी, क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार 2022 के? मुद्दा यही है कि जैसे जो है सपा पार्टी जो कही है वो करके दिखाई है और भाजपा ने किया नहीं है। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने जो है दो टाइम राशन दिया है, दो बार राशन देने से तो कोई भी अपाहिज बनाना चाहते हैं। अच्छा, और जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि आ रही है, क्या लगता है उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? उसके वजह से कि जो है ये जो है पशु छोड़ रखे हैं जो, उनके वजह से थी वो दे रहे हैं कि उनका जो है वो विकास हो नहीं पाएगा, ये बात है। क्या शुभ नाम है सर आपका? अजय कुमार सिंह। अच्छा अजय जी, क्या लगता है यहाँ अगर मनकापुर की बात करें तो यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। क्या लगता है विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से तो नहीं, यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ से तो सरकार में आपके मंत्री भी बैठे हुए थे, तो क्या लगता है मनकापुर में कुछ काम हुआ है? नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि क्या मुद्दा रहने वाला है मनकापुर से अगर बात करें तो, यहाँ पर स्थानीय लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? अब यहाँ सड़क में देखिए गड्ढा है, अभी तक नहीं बना। बाबा ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, सड़क देखिए आप सामने है। अब सरकार जो है बनेगी सपा की। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? राम आशीष भारती। अच्छा राम आशीष जी, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या परिणाम आने वाला है? उत्तर प्रदेश में जनता विकास चाहती है। इस 5 वर्षों में इस सरकार ने केवल एक छलावा किया है, धर्म के नाम पे बंदर बांट करके राजनीति की है, भ्रष्टाचार किया है। अगर आज जांच हो जाए उत्तर प्रदेश की, कोरोना काल की जांच हो जाए, विकास की जांच हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक मंत्री हैं ये फंसते नजर आएंगे। रही बात विकास, इसमें केवल विकास भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों का हुआ है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल है, हाथरस की बेटी की जो रूह है यानी आत्मा है, वो पुकार रही है कि इस प्रदेश में हमें न्याय दो। खुशी दुबे आज जेल में सड़कें अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे जनरल हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे 18 लाख कर्मचारी हो, सबकी निगाह केवल समाजवादी पार्टी की तरफ है। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है तो सभी लोगों को हक मिलेगा। अच्छा रोज़गार की अगर बात करें तो रोज़गार के लिए सरकार तमाम दावे करती है और क्या लगता है धरातल पर कितना सत्य है ये? 45 लाख रोजगार बता रहे हैं कि हमने दिया। 45 लाख के हिसाब से एक गांव सभा में 450 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। मैं तो जानता हूं कि मेरी गांव सभा में 4500 लोग हैं, एक लोग भी सरकारी नौकरी इस 5 वर्ष में नहीं पाए हैं। ये सब झूठा वादा है, खोखला है। और क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए अगर मनकापुर की बात करें तो, यहाँ के मूलभूत मुद्दे क्या है? यहाँ हमें सड़क चाहिए, हमें गाँव में इंटरलॉकिंग चाहिए, हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री चाहिए, लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक जी जीत के गए थे, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, 5 वर्षों में जनता के किसी भी काम नहीं आए हैं। जो भी जनता इनके लखनऊ आवास पे गई है, झूठा आश्वासन दे के वापस कर दिए हैं। 5 वर्षों में किसी व्यक्ति को नहीं मिले हैं। इनके 6 दलाल हैं, उन्हीं दलाल के माध्यम से थानों में लोगों को पिटवाया जा रहा है और लोगों से धन उगाही कराई जा रही है। तो इस बार क्या लगता है क्या परिणाम आने वाला है, मतलब अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गोंडा की भी अगर बात करें तो गोंडा से कितनी सीटें निकल रही हैं? गोंडा में 7 सीटें हैं, 7 सीटों पे जबरदस्त लड़ाई है।
हम ये नहीं कहते हैं कि हम सातों जीतेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा के ही दम लेंगे। हमारी सोच है, समाज की सोच है, गरीब तबके की सोच है, पिछड़ों की सोच है, अगड़ों की सोच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नष्ट नाबूद हो जाए और अखिलेश यादव जी की सरकार 350 सीटों से बने, हम ये कामना करते हैं, ये होगा भी। अच्छा, राम मंदिर क्या लगता है मुद्दा रहने वाला है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी जात धर्म के लोग चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, किसी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। केवल भाजपा वालों ने एक राग अलाप के विरोधाभास कराया है आपस में। हमारे यहाँ जितने भी मुसलमान भाई हैं सब लोगों ने चंदा दिया है कि राम मंदिर बने, किसी को ऐतराज नहीं है, केवल भाजपा को ऐतराज है। अच्छा, उसके नाम पे वोट बटोरने की राजनीति, उसके नाम पे वोट बटोरने की राजनीति की है और चंदा चोरी करने की काम किया है। 1.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदा, 50 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदा, क्यों चंदा चोरी कर रहे हैं भाजपा वाले। तो कितनी सीटें आने वाली हैं लगभग समाजवादी पार्टी? 2 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है क्या नतीजे आने वाले हैं 10 मार्च? ये जान के चलिए कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी साफ होगी और पूरे प्रदेश में 350 सीटों से ऊपर समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को मिलेगा, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत नगवा से आता हूँ, विकास खंड ओजीरगंज, विधानसभा मनिकापुर। अच्छा, क्या लगता है कि युवा क्या सोचकर वोट देते हैं आप? मेरा वोट पहली बार पड़ने जा रहा है रमेश गौतम जी को, और रमेश गौतम जी प्रचंड जीत से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समस्त गठबंधन जो इनके साथ हैं, बहुत बड़ी जीत, और अब की बार 300 पार, ये नारा है युवा का। और युवा जो और युवाओं, अखिलेश यादव जी ने बिना सोच समझ के 18 लाख लैपटॉप देने का काम किया, 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं को देने का काम किया पेंशन योजना, बहुत पहली बार एक्सप्रेस हाईवे बनवाए उत्तर प्रदेश के लिए, आगरा से आप दिल्ली पहुँचोगे 4 घंटे में, अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी ने जितना विकास किया उतना कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं, कोई भी हो। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री जी से 5-7 काम बताएं जिसका इन्होंने शिलान्यास भी किया हो मनिकापुर में, उद्घाटन भी किया हो, कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया, 5 साल जनता के बीच नहीं गए, और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा, नौजवान, साथी, बड़े बुजुर्ग सब उनके साथ हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी। रमेश गौतम जी अभी हमारे साथ खड़े थे, हमारे यहाँ के लोडियाघाटा पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी बाबा राम आशीष भारती साहब हम सब के बीच में रहे, पारिवारिक संबंध भी रहा इनके यहाँ से हमारा, और बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी रमेश गौतम जी। और क्या शुभ नाम है सर आपका? परशुराम गौतम। अच्छा, परशुराम जी क्या लगता है इस बार किसके चक्कर? अखिलेश भैया की पूरी पूर्व बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी। एक अगर एक किसान की बात करें तो किसान का दर्द क्या है? किसान तो वो इससे परेशान बा हो। क्यों परेशान है? अरे महंगाई बा, ललका साढ़ बढ़ सर, और वो करे बात महंगाई ना देखत बड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम जिला बहराइच के रहने वाले हैं। जिला बहराइच के, क्या लगता है आपके यहाँ अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच में क्या परिणाम आने वाला है? 7 सीट अखिलेश भैया के नाम पर। गोंडा में? गोंडा भी सब सीट, 7 सीट अखिलेश भैया के नाम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अरे सरकार पूरा पूरा सीट ये तयावत है। चलिए, तो ये थी मनकापुर की जनता, जिन्होंने पुरजोर तरीके से ये कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रजब के साथ प्रतिमेन सिंह, पी न्यूज़, गोंडा।